काम चलाना पड़ेगा, शायद अपने टीममेट से बोरो करना चाहेंगे, बट नियर ज्यादा हुआ डेस्ट्रो का, देखते हैं ये अगर कमनेट कर पाता है तो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो पाएगा, बट फनाटिक के रौनक अभी भी हिल नहीं रहे। रेगल टॉस ने इन द मीनवाइल टीएसएम एंटिटी के नियो को नॉक कर दिया है, एंड देखते हैं यहाँ पे रेवन के मैंटी जो टीम तमिलास के प्लेयर है काफी ज्यादा मुश्किल में है। डेस्ट्रो अभी भी नेट जारी रखे हैं। सो रेगल टॉस ने यहाँ पे टेड का जो किल है वो चुरा लिया, टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स काफी नाराज होंगे। रेगल टॉस ने हाउएवर यहाँ पे नियो का भी किल सिक्योर कर दिया। डेस्ट्रो का यहाँ पे बहुत ही प्यारा नेट जाता हुआ टीम और तमिलास के स्ट्राइकर को फिनिश ऑफ करते हुए। मैंटी काफी ज्यादा लो एचपी पे, इन्होंने अभी फर्स्ट एड जरूर लगा लिया। ऑसनिक्स भी यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं। यहाँ पे श्राइडर भी टीएसएम एंटिटी जोनाथन के द्वारा नॉकआउट हो चुके हैं। टीम सोल यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेटी पैकर ने यहाँ पे मैंटी ओपी को नॉक कर दिया, सिर भी नॉकिंग डाउन जोनाथन जी गॉड फिनिशिंग ऑफ श्राइडर। तो यहाँ पे चारों तरफ फाइट देखने को मिल रहा है। मिस्टर स्प्रे ने हाउएवर यहाँ पे डोप किड को नॉक कर दिया, भीष्मा को आना पड़ेगा कवर फायर देने के लिए। पैटी पैकर ने यहाँ पे रेवन के मांटी टर्मिलस मांटी ओपी को फिनिश ऑफ कर दिया। सोल के रेगल्टॉस और मॉर्टल यहाँ पे पुशिंग करते हुए यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के स्क्वाड की तरफ देखते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे एक बेहतरीन नॉक निकाल पाएंगे। मॉर्टल को यहाँ पे घातक ने बहुत ही प्यारा एकेएम के द्वारा नॉक कर दिया। रेगल्टॉस हाउएवर जी गॉड को नॉक करते हुए यहाँ पे बहुत ही उम्दा गेम प्ले बाय टीम सोल, नॉकिंग एंड फिनिशिंग डाउन टीएसएम एंटिटी। रेगल्टॉस तो भी जोन के बाहर ही है, मवी यहाँ पे आई थिंक अपने जो यूटिलिटीज है वो एक्सचेंज कर रहे थे एंटो की तरफ, बट टीम आईएनडी एक अच्छा बेज होल्ड करते हुए वो कंसिस्टेंसी दिखाते हुए स्नैक का बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे पुश आ चुका है। एमजीजेड के जाट का क्रैटोस का बहुत ही प्यारा नॉक आ चुका है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। स्नैक्स यहाँ पे इंस्टेंटली जाट को फिनिश ऑफ कर देंगे। मैक्स काश यहाँ पे स्नैक्स के ऊपर ट्रेड फायर लेंगे यहाँ पे नॉक करते हुए। एमजीजेड के चोट यहाँ पे पीछे की तरफ से सपोर्ट फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्स के अल्ट्रॉन यहाँ पे प्ले जोन से नॉकआउट हो चुके। ट्रांस इंस्टेंटली लेफ्ट साइड से रोटेशन देते हुए यहाँ पे प्री नेड एक कुक करके फेंक दिया, आई थिंक अनकुक नेड है सॉरी। एंड अभी देखते हैं यहाँ पे टीएक्स के उत्सर्गा यहाँ पे यूमी के भीष्मा को नॉक करते हुए विद दैट एकेएम एंड एक एलिमेंट के ऑन टॉप यहाँ पे राइट हैंड साइड से क्रैटोस को नॉक करते हुए। एमजीजेड के चोट ने वहाँ पे मेगास्टार्स के स्वैग के साथ फाइट ले लिया। तो एवरीथिंग इज गोइंग बॉन्कर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे चोट ने यहाँ पे मेगा के स्वैग को फिनिश ऑफ कर दिया। एलिमेंट्रिक्स के ऑन टॉप यहाँ पे टीम आईएनडी के क्रैटोस का किल भी सिक्योर करते हुए। तो टीम आईएनडी काफी ज्यादा दिक्कत में लगती हुई, एमजीजेड भी बैक इन टू द एक्शन। टीम एलिमेंट्रिक्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, कल के जैसे ये परफॉर्मेंस शायद हम लोग को रिपीट होने वाला है। ऑन टॉप यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, कैपिटलाइजिंग पोजीशन ले चुके हैं। नेट्स यहाँ पे फेंकने की कोशिश करेंगे, स्लेयर के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर रहने वाले। स्नैक्स भी यहाँ पे फिनिश हो चुके, एमजीजेड के चोट भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके। सूर्या ने वहाँ पे वैक्सी को फिनिश कर दिया। ट्रांस ने यहाँ पे एलिमेंट्रिक्स के मिस्टर योजु को नॉक कर दिया। ट्रांस का दूसरा नॉक आते हुए यहाँ पे एलिमेंट्रिक्स के ऑन टॉप की तरफ, उनको भी जो किल है वो सिक्योर कर लेना चाहेंगे, बट ऑन टॉप ने यहाँ पे स्लेयर को नॉक कर दिया। इंस्टेंटली ट्रांस से कोशिश करेंगे स्लेयर को रिवाइव देने की, एंड अभी भी 19 प्लेस बचे, 8 टीम्स अलाइव है। प्ले जोन से यहाँ पे एमजीजेड के चोट फिनिश ऑफ हो चुके हैं, एंटो भी यहाँ पे प्ले जोन पे फिनिश हो गए, बट 8वें पोजीशन पे अपनी टीम को किसी भी प्रकार ले आए। एलिमेंट्रिक्स के सागर के पास है मेरा फेवरेट ड्रॉप वेपन MK40, एंड इसी के साथ बहुत ही प्यारा स्प्रे देते हुए एलिमेंट्रिक्स के सागर इंस्टेंटली टीम आईएनडी को एलिमिनेट कर देंगे। पूपू मैन गेटिंग दैट फाइनल, यहाँ पे पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रेगल टॉस पे जा पाता है, एंड रेगल टॉस ही ऐसे एक बंदे हैं जो कि यहाँ पे क्लच रखने की करने की पोटेंशियल रखते हैं, वो क्षमता रखते हैं। भीष्मा और डोपकिट के साथ इनका फाइट किसी भी मोमेंट हो सकता है, एंड यहाँ पे रेगल टॉस ने बहुत ही प्यारा नॉक निकाल रखा है यूएमई के डोपकिट की तरफ, एंड इंस्टेंटली नॉक करके मॉर्टल को यहाँ पे रिवाइव करेंगे, क्योंकि ये मॉर्टल का आई थिंक थर्ड नॉक होगा। एंड काफी ज्यादा आप देख सकते हो बहुत जल्दी ब्लीड आउट कर रहे थे भीष्मा, यहाँ पे इस चीज का इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जा रहे डोपकिट की तरफ, एंड इंस्टेंटली रिवाइव देके फिर से पीक आउट करने की कोशिश करेंगे भीष्मा की तरफ। मीनवाइल टीम शान मारा और टीम एक्सट्रीम के बीच में फाइट होने वाला है। यहाँ पे टीम एक्सट्रीम यहाँ पे बिल्कुल भी हिली नहीं है, यहाँ पे उनके ऊपर जोन बन गया। रेगल टॉस ने यहाँ पे बहुत ही प्यारा फिर से दो किल्स यहाँ पे सिक्योर कर लिया, भीष्मा को भी फिनिश कर दिया। टीम सोल टेकिंग 8 किल्स राइट ऑफ द हुक, एंड देखते हैं यहाँ पे टीम एक्सट्रीम वर्सेस टीम जानमारा के बीच में फाइट होने वाला है। एमजीजेड के मैक्स काश का बहुत ही प्यारा नेट जाता हुआ यहाँ पे जानमारा के नैंग की तरफ, एक्सट्रीम का यहाँ पे बैरल के द्वारा स्प्रे जाता हुआ ट्रेड फायर में यहाँ पे मैक्स काश नॉकआउट हो चुके, एंड एक्सट्रीम उनका इंस्टेंटली किल सिक्योर कर लेना चाहेंगे। टीम एक्सट्रीम के उत्सर्गा यहाँ पे अच्छे पोजीशन पे यहाँ पे टीपी भी लेके बैठे, यहाँ पे तीन स्क्वाड्स हैं एमजीजेड टीम एक्सट्रीम और टीम जानमारा की स्क्वाड। रेगल टॉस ने यहाँ पे मिस्टर योजु को नॉक कर दिया, एक्सट्रीम ने यहाँ पे सूर्या को फिनिश कर दिया। मॉर्टल का यहाँ पे बहुत ही प्यारा नेट जाता है वो सागर की तरफ, एंड देखते हैं यहाँ पे जानमारा के प्लेयर्स पोजीशन करते हुए टीम एक्सट्रीम के प्लेयर्स की तरफ, बट एक्सट्रीम के एक जानमारा के एक्सट्रीम के जो मेंबर है तो बहुत ज्यादा लो एचपी पे थे, इंस्टेंटली उनको हील अप करना पड़ा। रेगल टॉस भी यहाँ पे नेट कुक करते हुए, तो यहाँ पे एक्सट्रीम के एक्सट्रीम एक प्लेयर भी है, तो लेट्स सी यहाँ पे जानमारा के एक्सट्रीम यहाँ पे नॉकआउट हो चुके उत्सर्गा के द्वारा। वाइपर ने यहाँ पे नैंग को नॉक कर दिया, इसी के साथ फाइट भिड़ चुकी है। यहाँ पे टिचाला और गानर दो प्लेयर्स अलाइव है फिलहाल, वाइपर ने यहाँ पे गानर को भी नॉक कर दिया, टिचाला उनकी तरफ से लास्ट मैन सर्वाइविंग है। देखते हैं यहाँ पे स्प्रे लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे टीम बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले का प्रदर्शन दिखाती हुई टीम एक्सट्रीम ने यहाँ पे जानमारा को फिनिश ऑफ कर दिया। टीम सोल और टीम एक्सट्रीम के
बीच में यहाँ पे फाइट होने वाला है। देखते हैं यहाँ पे थर्ड स्क्वाड कौन सी है। मॉट का यहाँ पे बहुत ही प्यारा नॉक आता है वाइपर की तरफ। रेगुलर टॉस यहाँ पे चागर को फिनिश ऑफ करते हुए, मिस्टर योजु को भी फिनिश ऑफ कर दिया, वाइपर को भी मॉटल ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया। तो फाइनली इट्स अ 2v1 सिचुएशन। यहाँ पे बाहर की तरफ से पूपू मैन भी एलिमिनेट हो जाएंगे जोन के बाहर। तो इट्स ऑल कम डाउन टू दीज टू जेंटलमैन फ्रॉम टीम सोल, दैट इज मॉटल एंड रेगुलर टॉस। क्या यहाँ पे टीम सोल चिकन डिनर ले पाएगी? यस डेफिनेटली, क्योंकि जोन के बाहर एंड टीम एक्सट्रीम के काफी भी नॉकआउट हो चुके हैं। उत्सर्ग के ऊपर पूरा जो जिम्मेदारी है वो चले जाता है, बट आई थिंक टीम सोल को उनका पोजीशन के बारे में पूरा अंदाजा है यहाँ पे, यू नो, ब्लाइंड फायर लेते हुए। बट इसी के साथ टीम सोल चिकन डिनर लेते हुए इन द सेकेंड गेम बहुत ही प्यारे तरीके से। गाइस क्या